तीरबाजी के नैशनल कौमी खिडारन ने फाह ला के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। तो दसिया जा रहा है कि मोहाली जिले के कस्बा नवागरों के किराए के मकान के पति पत्नी दोनों रहिंदे सी। पूरी खबर दिखावांगे, बहुत तो बहुत शेयर करो। तो कुछ ही दिनों के बाद दसिया जा रहा है कि आपसी कलेश होना शुरू हो गया। पति वल्लों लगातार कौमी खिडारन तो दाज की मंग की जा रही सी कि मैनू महंगी गड्डी ते नाल चंडीगढ़ के एक बड़ा फ्लैट चाहिए। लगातार तंग परेशान होने तो बाद उस खिडारन ने एक खौफनाक कदम चुकया। तीरबाजी के नैशनल कौमी खिडारन ने फाह ला के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। तो दसिया जा रहा है कि मोहाली जिले के कस्बा नवागरों के किराए के मकान के पति पत्नी दोनों रहिंदे सी। पूरी खबर दिखावांगे, बहुत तो बहुत शेयर करो। कौमी खिडारन जिसने गोल्ड मैडल जीते है, पंजाब का नाम भी रोशन किया, उस तो बाद उस कौमी खिडारन एक नौजवान के नाल प्यार हुंदा, प्यार तो बाद लव मैरिज कराउंदे ने। दोनों पति पत्नी किराए के मकान के नवागरों के आके रहिंदे ने। तो कुछ ही दिनों के बाद दसिया जा रहा है कि आपसी कलेश होना शुरू हो गया। पति वल्लों लगातार कौमी खिडारन तो दाज की मंग की जा रही सी कि मैनू महंगी गड्डी ते नाल चंडीगढ़ के एक बड़ा फ्लैट चाहिए। लगातार तंग परेशान होने तो बाद उस खिडारन ने एक खौफनाक कदम चुकया। तो पुलिस वालों दसिया जा रहा है कि उसके पति नूं भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कौमी खिडारन सरकारी नौकरी लई भी ट्रेनिंग कर रही सी। तो पति यूनिवर्सिटी के एक बड़ा प्रोफेसर सी, जिथे कि दोनों एक वधिया मुकाम ते सी। फिर भी इदा दा खौफनाक कदम जिहड़ा कौमी खिडारन नूं चुकना पै गया, क्योंकि पहला भी दाज दे लोभियां कारण पता नहीं किन्नियां कि धीआं ने फाहे ले ने। तां इस देश दी कौमी खिडारन ने फाह ला के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो कौमी खिडारन दे पिता वल्लों दस्सिया जा रिहा है कि नौजवान जो पति सी उसके परिवार वालों भी लगातार उन्हां दी धी नूं तंग परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हां दी धी वल्लों आण के दस्सिया जांदा सी कि मेरे तो लगातार मंग की जा रही है, ता करके ही वो परेशान है। जिस नूं लैके 17/2/2023 नूं उस कौमी खिडारन ने खौफनाक कदम चुक लिया, जिस तो बहुत तंग सी, लगातार ताने मेहने मिल रहे सी, लगातार दाज की मंग की जा रही सी, तो उसने पखे नाल फाह ला के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जदों इसकी सूचना पुलिस नूं पहुँचती है तो मौके पर पुलिस ने लाश नूं कब्जे दे विच लिया, पोस्टमार्टम कराया। उस तो बाद परिवारक मैंबरां दे बयानां दे आधार दे उत्ते उस कौमी खिडारन दे पति दे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया 304B दे। तो उहदे विच कौमी खिडारन दे पति नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा है, ते माणयोग कोर्ट दे विच उस नूं पेश कीता जांदा है। 2 दिन दा रिमांड उसका हासिल होया। तो दस्सिया जा रहा है कि रिमांड दे विच अगर परिवारक मैंबर उस कौमी खिडारन दे पति दे आंदे ने तो उन्होंने भी अरैसट किया जाएगा, जिदे विच कि उस कौमी खिडारन दे पति दे माँ ते नाल उसकी भैन का भी जिक्र हो रहा कि वह भी लगातार तंग परेशान कर रही सी। पर बड़ी सोचने वाली गल है, इन्ना बड़ा मुकाम उस कौमी खिडारन ने हासिल किया, नैशनल लैवल तक खेले ने, तो उस तो बाद जाके प्यार दे विच नौजवान दे आती है, लव मैरिज कराती है, एक नवी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। पर की पता सी वो नवी जिंदगी ही उस कौमी खिडारन की मौत का कारण बनेगा। तो इस लैके पुलिस ने कौमी खिडारन के पति को गिरफ्तार किया। तो इस तो बाद अगे पुलिस की कह रही है, गलबात करने लिए साढ़े नवागरों के सीनियर अफसर बलकराम जी साढ़े नाल ने। सर की सी पूरा मामला दस्या जा रहा है कि 27 साल जी कुड़ी सी उसने आत्महत्या कर ली है, की लड़की है भावना जी, इन्हों का पिंड शेरगढ़ जिला फाजिलका, यह इतने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विखे लाइब्रेरी के सरकारी नौकरी करती सी। तो इतने नाल ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ही मुंडा सचिन, वह भी इतने टीचर सी। इन्हां दी आपसी पिछले 4 महीने तो शादी
लव मैरिज इन्हों की हुई सी, जो लव मैरिज तो बाद इतने साढ़े नवा गाँव आके किराए से रह रहे थे। इन्होंने थोड़ी देर बाद ही लड़का जिहड़ा सचिन है, गल सामने आई है कि उन्हें अपने घर वाले को कहा मैं यूनीवर्सिटी के वैल सैटल हाँ, तो तुसी अपने पिता को कह के एक चंडीगढ़ के फ्लैट तो एक कार वगैरह का इंतजाम करो। दाज की मांग की जा रही थी जी पति वालों? हाँ जी हाँ जी, दाज की ही मांग है, दाज दहेज ही आता सारा कुछ, जिस करके लड़की ने अपने पिता नाल अपने सारे अपने पेके परिवार नाल गल करी, पर लेकिन नहीं गल बस घरों ये लड़की गरीब सी, जिस करके इन्हां दी अक्सर ही दोवें मियाँ बीबी की इस गल तो तू तू मैं हुंदी रहिंदी सी, तंग परेशान करता सी, कई बार कुटमार भी कर दिंदा सी। सो इस गल तो ही दुखी हो के मिति 17/2/23 की दरमियानी रात नू लड़की ने तंग आके अपने घर वाले तो छत के नाल गलफा खा लेके अपनी जीवन लीला खत्म कर ली सी। सो सानू इतलाह मिलते ही पुलिस पार्टी ने मौका पर पहुँच के लाश नू कब्जे के विच ले लिया, उहदा पोस्टमार्टम करा के उहदे वारसां दे हवाले कीती, ते लड़के सचिन नू ही असीं मिति 17/2/23 नू ही गिरफ्तार करके इहनू पेश अदालत करके इहदा पुलिस रिमांड लिया। जो पुलिस रिमांड दे विच हुण तफतीश चल रही है, पुछगिछ चल रही है कि इस दे विच कोई होर दोषी, इहदा कोई पिता जां इहदी कोई भैण दा कोई कसूर पाया जांदा है, तां असीं उस नू दी जल्दी कार्रवाई उहदे खिलाफ करांगे, जिस दियां कॉल डिटेलां असीं वगैरह असीं कढा रहे हां। किहड़ी किहड़ी धारावां जिहड़ियां लाईआं गईआं ने? इह धारा लगी है 304B IPC, इह किसे नू दाज दहेज पिछे तंग परेशान करना, वो धारा के तहत असीं मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लिया। पोस्टमार्टम जिहड़ी रिपोर्ट आई है उसदे विच कोई होर भी चोट आई है उन्हां दी जिहड़ी दस्से रहे 27 साल दी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है उस ते उहने गल दे विच ही गलफाह लैण लई उह निशान आया होया, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पति है रिमांड दौरान मन्निया कि हाँ उन्हां पति जिहड़ा है दस रहा कहिंदे मैं जदों दरवाज़ा खोलिया पक्खे नाल लमक रही सी। ठीक है, बिल्कुल देखो कि पुलिस वालों पति को गिरफ्तार कर लिया, जिते कि 2 दिन का रिमांड हासिल किया, तो दसिया जा रहा है कि तंग परेशान किया जा रहा, गड्डी की मांग की जा रही थी, दूजे पास चंडीगढ़ के वधिया घर की मांग लगातार दाज दहेज का जो मामला है सामने निकल के आया, जिते कि जो कुड़ी ने आत्महत्या की उसके परिवारक मैंबर वालों इल्जाम लगाए गए हैं कि जो पति से उसके घरवाले भी तंग करते थे, तो इसको लेकर हूँ रिमांड दौरान की होर वे खुलासे होंगे आने वाला समय दसेगा, पर पुलिस वालों सख्त आरामा ला के पति को 2 दिन रिमांड पर लिया, तो हम आने वाले दिनों देखते हैं कि इस दे पति को की सज़ा मिलती है, तो आने वाला समय दस्सिया। थोड़े कैमरामैन सुमित के नाल हरतेज सिंह।